गुड मॉर्निंग बच्चों, अब हमको पढ़ना है सिविक्स का चैप्टर 7, मार्केट अराउंड अस। चलिए शुरू करते हैं। वी गो टू द मार्केट टू बाय मैनी थिंग, वेजिटेबल्स, सोप, टूथपेस्ट, मसाला, ब्रेड, राइस, दाल, क्लॉथ, नोटबुक, बिस्किट एक्सेट्रा। इफ़ वी मेक अ लिस्ट ऑफ अ गुड्स दैट वी परचेज, इट वुड बी रियली लॉन्ग। ठीक है, मीन्स हम जाके अपने मार्केट से बहुत से सामान को यूज़ करते हैं, उसको खरीद के घर पे लेके आते हैं। ठीक है, अगर हम उसकी लिस्ट बनाए तो वो बहुत लंबी होगी ना। मीन्स घर के छोटे से लेके हर बड़ा सामान हम जाके मार्केट से ही खरीद के लेके आते हैं। ठीक है, देर आर मैनी काइंड ऑफ मार्केट डैट वी मे विजिट फॉर आवर एवरीडे नीड। दिस कैन इंक्लूड शॉप, हॉकर स्टॉल इन आवर नेबरहुड, अ वीकली मार्केट, अ लार्जर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, परहैप्स इवन अ मॉल। इन दिस चैप्टर विल लुक एट सम ऑफ दिस मार्केट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ द गुड्स दैट आर सोल्ड देयर रीच बायर्स, हु दिस बायर्स आर, हु दिस सेलर्स आर, एंड द शॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम दे फेस। अब इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि हमारे जो रोज़ का सामान है, हमें जो रोज़ थोड़ी मोड़ी चीज़ें जो जो चाहिए होती हैं, वो भी हम आसपास के अपने दुकान से या जो छोटे मोटे जो लेके नहीं घूमते हैं ठेले, वो लोग, ठीक है, कुछ कुछ अपने मॉल से, कुछ बड़ी दुकानों से खरीद के लेके आते हैं। तो इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हम सामान जो खरीदते हैं या जो लोग बेच रहे हैं, ठीक है, वो कौन होते हैं और उन्हें क्या क्या दिक्कत फेस करनी पड़ती है। ठीक है, तो पहले आता है हमारा वीकली मार्केट। अ वीकली मार्केट इज सो कॉल्ड बिकॉज इट इज़ हेल्ड ऑन अ स्पेसिफिक डे ऑफ द वीक। वीकली मार्केट डू नॉट हैव परमानेंट शॉप, ट्रेडर्स सेटअप शॉप फॉर अ डे एंड देन क्लोज देम अप इन द इवनिंग, देन दे मे सेटअप एट अ डिफरेंट प्लेस द नेक्स्ट डे। देयर आर थाउजेंड ऑफ सच मार्केट इन इंडिया, प्लीज कम हियर फॉर देयर, पीपल कम हियर फॉर देयर एवरी डे रिक्वायरमेंट्स। मीन्स अब देखो यहाँ बताया क्या गया है कि हमारे देश में बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे हर हफ्ते बाजार लगती है। मीन्स एक ऐसा कोई डे होगा, ठीक है, हर हर किसी के घर के आसपास या हर किसी के घर का कोई पर्सन एक हफ्ते में कहीं ना कोई बाजार लगती होगी और आप लोग वहाँ से सामान लेके आते होंगे। ठीक है, अब जो वहाँ पे जो सामान मेल में मिलते हैं, जो लोग आते हैं सेल करने, ठीक है, उनकी वहाँ पे कोई फिक्स शॉप नहीं होती। वो सुबह आएंगे, खुद खुद का सामान फैला के वहाँ पे रखेंगे, लोग आएंगे खरीदेंगे, फिर वो लोग शाम को अपना सामान समेट के लेके चले जाएंगे। ठीक है, और ये सब चीज़ें जो होती हैं वो हमारे डे टू डे लाइफ में यूज़ होती हैं। मैनी थिंग्स इन द वीकली मार्केट आर अवेलेबल एट चीपर रेट, दिस इज़ बिकॉज वन शॉप आर इन परमानेंट बिल्डिंग, दे इनकर अ लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर, दे हैव टू पे रेंट, इलेक्ट्रिसिटी फीस टू द गवर्नमेंट, दे ऑल्सो हैव टू पे वेजेस टू देयर वर्कर। इन वीकली मार्केट दिस शॉप ओनर स्टोर द थिंग्स दे सेल एट होम, मोस्ट ऑफ देम आर हेल्प बाय देयर फैमिली मेम्बर एंड हैंस डू नॉट नीड टू हायर वर्कर। वीकली मार्केट ऑल्सो हैव अ लार्ज नंबर ऑफ शॉप सेलिंग द सेम गुड, विच मीन्स देयर इज़ अ कंपटिशन अमॉन्ग देम। इफ ट्रेडर वेयर टू चार्ज अ हाई प्राइस, पीपल वुड मूव टू अनदर शॉप वेयर द सेम थिंग मे बी अवेलेबल मोर चीपर और वेयर द बायर कैन बार्गिन एंड ब्रिंग द प्राइस डाउन। अब देखो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो हमारी जो हर हफ्ते वाली मार्केट है, ठीक है, वहाँ पे सामान कम दाम में मिलता है। वो इसलिए क्योंकि जिन जिनकी शॉप्स होती है बड़ी बड़ी बिल्डिंग में, जिनकी दुकानें होती हैं, वो लोग रेंट पे करते हैं, लाइट का बिल पे करते हैं, ठीक है, और अलग अलग टाइप के टैक्स पे करते हैं, और साथ ही अगर शॉप में किसी को और वो लोगों ने काम पे रखा है तो उसे भी वो लोग पे करते हैं। ठीक है, तो इन सब का दाम वो हमसे जोड़ के लेते हैं, तो इसीलिए शॉप्स
जो दाम होता है वो हर हफ्ते वाली बाजार से थोड़ा महंगा रहता है, और हमको जो ये हर हफ्ते वाली बाजार होती वहाँ पे चीज़ें कम दाम में मिलती है। और एक चीज़ और नोटिस किए होंगे कि जो हर हफ्ते वाली मार्केट है वहाँ पे क्या है, जब आप जाएंगे तो किसी एक शॉप पे अगर कोई चीज़ है तो वही चीज़ कई और शॉप पे भी बिक रही होती, जिसकी वजह से कंपटीशन बहुत होता है, और कोई एक पर्सन दाम बढ़ा के बेच नहीं सकता। क्यों? अगर कोई एक दाम बढ़ा के बेचेगा तो आप किसी और शॉप पे जाके वही सामान कम रेट पे लेके चले आओगे, ठीक है? ये चीज़ें होती हैं। वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ वीकली मार्केट इज़ दैट मोस्ट थिंग यू नीड आर अवेलेबल एट वन प्लेस, वेदर यू वॉन्ट वेजिटेबल, ग्रोसरीज और क्लोथ आइटम, यूटेंसिल्स, ऑल ऑफ देम कैन बी फाउंड हियर। यू डू नॉट हैव टू गो टू डिफरेंट एरिया टू बाई डिफरेंट थिंग। पीपल ऑल्सो प्रिफर्ड गोइंग टू मार्केट वेयर दे हैव अ चॉइस एंड वेराइटी ऑफ गुड। अब देखो यहाँ पे एक फायदा ये है कि जो हर हफ्ते वाली बाजार है, ठीक है, वहाँ पे लगभग हर वो चीज़ होती है जो हमें चाहिए होती है, लगभग लगभग। अगर जो ज़्यादा महंगे सामान हैं अगर उन्हें छोड़ दिया जाए, जैसे टीवी, फ्रिज, बेड, ये सब हैं, ये सब को छोड़ छोड़ के जो हमारे डेली यूज़ का हर सामान वहाँ पे मिलता है, ठीक है? तो अब अगर आपको एक ही जगह सब सब सामान मिल रहे हो तो आप कहीं और क्यों क्यों जाओगे, है ना? इसीलिए लोग हर हफ्ते वाली बाज़ार में जाना पसंद करते हैं, ठीक है? और क्या चीज़ें बताई गई थी यहाँ पे? और सिंपल सी बात है, वहाँ वहाँ पे कोई एक ही ऐसा पर्सन नहीं है जो एक ही सामान बेच रहा है, कई ऐसे लोग हैं जो सेम सामान बेचते हैं, जिसकी वजह से हमें रेट भी वहाँ पे सही मिलता है, और बहुत सारे गुड्स एक साथ वैरायटी में हमें वहाँ पे मिलते हैं, ठीक है? अब आते हैं शॉप्स इन द नेबरहुड, ठीक है? हमारे अगल बगल में जो शॉप्स होती हैं, किसी किसी के गली में होते हैं, जो अपने घर में ही शॉप खोल के बैठे होते हैं, ठीक है? वी हैव सीन डैट द वीकली मार्केट ऑफर अ वैरायटी ऑफ गुड्स, हाउ एवर वी ऑल्सो बाय थिंग फ्रॉम अदर काइंड ऑफ मार्केट। दे आर मैनी शॉप डैट सेल गुड एंड सर्विसेज इन अवर नेबरहुड। वी मे बाय मिल्क फ्रॉम द डेयरी, ग्रोसरीज फ्रॉम द डिपार्टमेंटल स्टोर, और भी कई सारे होते हैं, जैसे मेडिकल शॉप हुए, ठीक है, फ्रॉम अदर, ठीक। और यहाँ पे क्या बताया गया, शॉप्स मैनी ऑफ दीज आर परमानेंट शॉप वाइल अदर आर रोड साइड स्टॉल, सच एज डैट ऑफ द वेजिटेबल हॉकर, द फ्रूट वेंडर, द मैकेनिक, ठीक है? अब देखो यहाँ पे क्या बताया गया है कि हालांकि हम जो हर हफ्ते बाजार होता है वहाँ से तो सामान लेके आते ही हैं, लेकिन एक दिक्कत ये कि वो हफ्ते में सिर्फ किसी एक दिन ही वो बाज़ार लगती है। अब दिक्कत ये है कि जो हर दिन जो हम यूज़ करते हैं, रोज़ कुछ ना कुछ तो कम पड़ता ही है ना, तो उस चीज़ के लिए होती है हमारी आसपास की दुकानें, ठीक है, जो हमें डेली यूज़ का सामान हमें वहाँ से हमको मिलता है, ठीक है? अब जैसे आप बाज़ार से हर रोज़ दूध खरीद के नहीं आते, आप दूध दूध के लिए किसी एक जगह पे हर दिन आते हैं, या तो कोई एक पर्सन दूध आपको हर रोज़ आके देता है ना? और जो घर में जो अक्सर ये होता है, कभी नमक ख़त्म हुआ तो कभी कुछ ख़त्म हुआ है ना, तो वो सब सामान हम शॉप शॉप से लेके आते हैं। और हमारे घर के अगल बगल बहुत से लोग होते हैं, कुछ लोग पेंसिल की दुकान खोल खोल के बैठे होते, कुछ लोग फोटो कॉपी की दुकान खोल के बैठे होते हैं ना, और कुछ लोग फास्ट फास्ट फूड की दुकान होती है, कुछ लोग की मेडिकल शॉप होती है ना? ये सब चीज़ें हमारे घर के आस आस पास में शॉप्स में पाई जाती हैं, और ये क्या है, ये परमानेंट होती है, मीन्स ये उनके घर घर
घर पे ही है या तो रेंट पे ले लिए हैं ना, तो वहाँ पे वो लोग हमेशा रहते हैं हर दिन, ठीक है। और कुछ लोग क्या होते हैं जो ठेले पे साग सब्जी फल लेके नहीं बेचते हैं, वो भी होते हैं। शॉप्स इन द नेबरहुड आर यूजफुल इन मैनी वेज, दे आर नियर आवर होम एंड वी कैन गो देयर ऑन एनी डे ऑफ द वीक। अब देखो इसका फायदा ये है हमारे लिए, ये बहुत फायदेमंद इसलिए है, एक तो ये घर के पास है और हम वीक में किसी भी दिन यहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। यूजुअली अ बायर एंड सेलर नो ईच अदर एंड दिस शॉप्स ऑल्सो प्रोवाइड गुड ऑन क्रेडिट। दिस मीन्स डैट यू कैन पे फॉर द परचेज लेटर एज वी सॉ इन द सुजाता केस फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बताया गया है, क्योंकि दुकानें हमारे घर के आसपास हैं, ठीक है, तो उन दुकानदार से हमारी पहचान भी है, ठीक है। अब जब पहचान है तो मान लो किसी दिन हम गए हमारे पास पैसा नहीं है, तो वो लोग हमारे नाम पे सामान देते हैं कि हाँ चलो आज नहीं है, आप पैसा कल ला के दे देना, है ना। ये चीज़ें, ये क्या है, ये एक टाइप की हेल्प ही तो हुई ना, कि घर घर के पास में है तो जान पहचान है, तो सामान बिना पैसे के भी कभी कभी मिल जाया करता है। यू माइट हैव नोटिस डैट देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ सेलर इवन इन द नेबरहुड मार्केट, सम ऑफ देम हैव परमानेंट शॉप एंड अदर सेल देयर गुड्स ऑन द रोड साइड, ठीक है। अब जिसके पास दुकान के लिए रेंट का पैसा नहीं होता, तो या तो वो हर घर में घूम 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 के सामान बेचे, या तो रोड रोड के साइड में एक टेंट डाल के सामान को अपने बेच बेच ले, हर ऑप्शन रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया हमारा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एंड मॉल। सो फार वी हैव सीन टू काइंड ऑफ मार्केट प्लेस, वीकली मार्केट एंड मार्केट इन आवर नेबरहुड। देर आर अदर मार्केट इन द अर्बन एरियाज डैट हैव मैनी शॉप्स पॉपुलरली कॉल्ड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। दिस डेज इन मैनी अर्बन एरियाज ऑल्सो हैव लार्ज मल्टी स्टोरेड एयर कंडीशनर बिल्डिंग विथ शॉप्स ऑन डिफरेंट फ्लोर नोन एज मॉल। इन दिस अर्बन मार्केट यू गेट बोथ ब्रांडेड एंड नॉन ब्रांडेड गुड, ठीक है, एज यू हैव रीड इन द चैप्टर ऑन एडवर्टाइजिंग, ठीक है। अब ये देखो क्या है, अभी तक हमने पढ़ लिया कि दो दो टाइप के मार्केट में हम आते जाते हैं। अब एक टाइप का और है, जब आप शहर साइड जाएंगे तो आपको बड़ी बड़ी दुकानें देखेंगी, ठीक है। उन दुकानों पे क्या है, वहाँ पे क्या है, जैसे आपको एक जैसे अगर किसी फिक्स सामान की दुकान है, ठीक है, वहाँ पे उसी टाइप की चीज़ें ही मिलेंगी। जैसे अगर मैंने कोई शूज़ की दुकान मैंने खोली, ठीक है, तो मेरी शॉप से सिर्फ शूज़ ही शूज़ होंगे और कोई सामान मैं रखूँगा नहीं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें शहर शहर साइड में बहुत होती हैं, और बड़ी बड़ी शॉप्स भी रहती हैं। और आने वाले दिन में हाल ही में हमें और एक चीज़ पता चली जिसे हम कहते हैं मॉल। अब मॉल में क्या है, मॉल एक बड़ी सी बिल्डिंग होगी, वो पैक होगी, उसके अंदर एसी पूरे मॉल में रहेगी, ठीक है, और हर फ्लोर पे दुकानें होंगी जहाँ पे हर टाइप का सामान आपको मिलेगा, ठीक है, ब्रांडेड से लेके नॉन ब्रांडेड भी सामान वहाँ पे रहता है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं मॉल। समझ गए, ये हो गया। आगे क्या है, ब्रांडेड गुड आर एक्सपेंसिव ऑफन प्रमोटेड बाय एडवर्टाइजिंग एंड क्लेम फॉर बेटर क्वालिटी। अब जो ब्रांडेड सामान है वो थोड़े महंगे होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके एड्स आते हैं, तो एड्स पे भी पैसा खर्च होता है, और वो ये दावा करते हैं कि उनका सामान बहुत अच्छा है, ठीक है, इसीलिए वो थोड़े महंगे होते हैं। द कंपनीज प्रोड्यूसिंग दिस प्रोडक्ट सेल देम थ्रू शॉप इन लार्ज अर्बन मार्केट एंड एट टाइम थ्रू स्पेसिफिक शोरूम। एज कम्पेयर टू नॉन ब्रांडेड गुड, फेवर पीपल कैन अफोर्ड टू बाय ब्रांडेड वन, ठीक है।
अब यहाँ पे बताया गया कि कंपनी जो अपना सामान बनाती है वो उन शहर वाले शॉप्स में ही जाके उसको सेल कराती है कि उनका शोरूम एक अलग से ही होगा। जैसे एक नाम है भाटा, ठीक है, तो भाटा का एक शॉप होगा जहाँ पे उसी के शूज़ चप्पल मिलेंगे, ठीक है। एज़ कम्पेयर टू नॉन ब्रांड गुड, अब देखो हर कोई इतना महंगा सामान यूज़ नहीं कर पाता, तो कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो इतना महंगा सामान यूज़ करते हैं, बाकी नॉन ब्रांडेड ही यूज़ करते हैं। अब देखो यहाँ पे हम पढ़ेंगे चेन ऑफ मार्केट। टाइम कितना हुआ, टाइम हो रहा है 15 मिनट, चलो ठीक है। चेन ऑफ मार्केट, इन प्रीवियस सेक्शन यू हैव रीड अबाउट डिफरेंट मार्केट फ्रॉम वेयर यू बाय गुड। फ्रॉम वेयर डू यू थिंक शॉप ओनर प्रोक्योर देयर गुड? गुड्स आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज, ऑन फार्म एंड इन होम। हाउएवर वी डोंट बाई डायरेक्टली फ्रॉम द फैक्ट्री और फ्रॉम द फार्म, नॉर वुड द प्रोड्यूसर बी इंटरेस्टेड इन सेलिंग अ स्मॉल क्वान्टिटी सच एज 1 किलो ऑफ वेजिटेबल ऑन 1 प्लास्टिक मग। ठीक है, अब देखो क्या चीज़ है, जो भी अभी हमने पढ़ा, जो हमने शॉप्स के बारे में पढ़ा, मार्केट अलग अलग टाइप के पढ़े, शॉप मॉल्स थे, ठीक है, जो हमारे घर के आसपास की दुकानें थी, प्लस जो हर हफ्ते बाजार वाला था, ठीक है, ये सब जो सामान सेल करते हैं ये लोग सामान खुद नहीं बनाते, सामान बनता है कहाँ पे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में, या खेत जो बड़े बड़े होते हैं, या तो फार्म्स में, या तो कुछ लोग घर पे ही अपना सामान बनाते हैं, ठीक है। तो वो लोग सीधा लोग कहीं वहाँ से जा जा के नहीं लेते, वो लोग उन सामान को शॉप्स में पहुँचाते हैं, फिर शॉप के ओनर उसको सेल करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो लोग होते हैं उन्हें बल्क में सामान नहीं चाहिए, उन्हें सामान चाहिए 1 किलो, एक पीस ऐसे चाहिए, है ना, और वो लोग एक एक साथ बहुत ढेर सारा सामान बनाते हैं, जिसकी वजह से वो किसी को एक एक करके बेच नहीं सकते, तो वो हर शॉप में बल्क में सामान जाके बेच के आते हैं, फिर शॉप के ओनर हमको वो सामान सेल करते हैं। द पीपल इन बिटवीन दीज प्रोसीजर एंड द फाइनल कंज्यूमर आर द ट्रेडर्स। द होल सेल ट्रेडर फर्स्ट बाय गुड इन द लार्ज क्वान्टिटी, फॉर एग्जाम्पल द वेजिटेबल होल सेल ट्रेडर विल नॉट बाई अ फ्यू किलोज वेजिटेबल, बट विल बाय इन लार्ज लॉट ऑफ 20 to 100 किलो। दिस विल देन बी सोल्ड टू अदर ट्रेडर इन दिस मार्केट। बाइंग एंड सेलिंग टेक प्लेस बिटवीन ट्रेडर। इट इज थ्रू दिस काइंड ऑफ ट्रेडर डेट गुड रीच फार अवे प्लेसेज। द ट्रेडर हु फाइनली सेल दिस टू द कंज्यूमर इन द रिटेलर। दिस कुड बी अ ट्रेडर इन अ वीकली मार्केट, अ हॉकर इन द नेबरहुड, और अ शॉप इन द शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है मैं तुमको बता देता हूँ, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पे एक फैक्ट्री है, ठीक है, यहाँ पे ये सामान बना, ठीक है। अब सामान सीधा हमारे तक नहीं आएगा आएगा, ठीक है, बीच में कई लोग आएंगे, बीच में कई लोग आएंगे। अब देखो ये जो हमारा है ये है होलसेलर, ये है हमारा होलसेलर, ये फैक्ट्री से सामान लेगा बल्क में, मींस ये 1 2 किलो नहीं लेगा, या 5 5 10 पीस नहीं लेगा, ये किसी भी सामान के लाखों पीस लेगा, ठीक है, यहाँ से ये लाखों पीस लेगा। फिर ये आएगा जो हमारे होते हैं रिटेलर, जो हमारी शॉप्स होती हैं, ठीक है। अब इसके पहचान में बहुत सारी शॉप्स होंगी, ठीक है। अब इसने 1000 पीस तो लिए हैं या लाखों पीस लिए हैं, तो ये क्या किया, 1000 1000 पीस हर शॉप में दिया, बांट दिया, ठीक है।
अब हम जाएंगे जाएंगे शॉप शॉप में, और शॉप से एक पीस खरीद के लेके चले आएंगे, ठीक है। तो इसके पहचान में बहुत सी शॉप्स हैं और इसके पहचान में बहुत से होलसेलर हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा सामान बनाएगा, फिर इन सब में देगा, बांट देगा, ठीक है। फिर ये जो है ये इन सब में देंगे बांट, और हम जाके शॉप से सामान लेके आते हैं, और हमारे जैसे भी लोग बहुत हैं, इसके जैसे भी लोग बहुत हैं, इसके जैसे भी लोग बहुत हैं, लेकिन ये बहुत कम है, ठीक है, समझ गए। चलो, वी कैन अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल। एवरी सिटी हैज एरिया द होलसेलर मार्केट, दिस इज यही वही चीज़ है जो मैंने अभी तुम्हें बता दिया, ठीक है। ये वही चीज़ ये तुम्हें आराम से लिख के बताया हुआ है। तो चलो, यहाँ तक हमने पढ़ लिया, अब इसके आगे हमें पढ़ना है मार्केट एवरीवेयर। ये सब चीज़ें समझ में आई या नहीं वो हमको एक बार बता देंगे, है ना। बाकी नोट्स तो हमने काम करा ही दिया है, तो बस पढ़ के समझ जाओ, ठीक है। चलो, थैंक यू।